पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में आज परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के द्वारा साध संगत को संबोधित करते हुए कहा गया कि जिसके द्वारा वे संसार का भला करने के साथ साथ अपना आत्म उद्धार कर गए, इस धरती के लिए सुख प्रदान कर गए, अच्छे मार्ग बना गए, खुद के भीतर एक आनंद, एक प्रेम, एक उत्साह, उल्लास लेकर जीते रहे और उसी को चारों तरफ फैला दिया। विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में प्रधान राकेश अग्रवाल ने बताया कि 7 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो 6 तारीख से 12 तारीख तक लगातार किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य यजमान राकेश अग्रवाल और शोभा अग्रवाल के साथ प्रवीण अग्रवाल, गीता अग्रवाल, शलभ अग्रवाल, कन्नू अग्रवाल संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। सभी ने महाराज जी के लाइव दर्शन कर धर्म लाभ कमाया। तो वहीं राकेश अग्रवाल जी के द्वारा बताया गया कि दिव्यलोक आश्रम में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें महाराज जी के द्वारा प्रवचन दिए जा रहे हैं। सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तगण उपस्थित हों और धर्म लाभ कमाएं। पूज्य महाराज श्री का कोरोना काल की वजह से दिल्ली से आश्रम से बाहर जाना नहीं हो पा रहा है, इस वजह से महाराज श्री ने एक नई कड़ी शुरू करी है ऑनलाइन सत्संग की। उसमें विभिन्न मंडलों द्वारा ये कोशिश करी जा रही है कि मंडल में एक एक सत्संग हो जाए जिससे कि सब जुड़ाव जैसे है महाराज जी से जुड़े रहे। अब महाराज जी ने मुरादाबाद मंडल को विशेष रूप से 6 से 12 तारीख तक का प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें महाराज जी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सत्संग के रूप में बोलते हैं और उन्होंने 2 दिन का कार्यक्रम 6 और 7 का हो गया और अब 8 का से लेकर 12 तक का बचता है और कार्यक्रम बहुत ही खास आ रहा है और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुरादाबाद की जनता इसका फ़ायदा उठावे और महाराज जी के प्रवचन को सुने। क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह के कार्यक्रम अब बहुत समय बाद होने का हुआ है और लगातार अब ऑनलाइन कार्यक्रम किया जा रहा है? महाराज जी के सत्संग की एक विशेषता है, महाराज जी जो जीवन उपयोग की बातें होती हैं और दिनचर्या की बातें हैं उनको विशेष रूप से बोलते हैं महाराज जी और इसमें महाराज जी कभी भागवत का या उसमें नहीं और गीता पर भी बराबर महाराज जी बोल रहे हैं। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जो हमारे जीवन पर्यंत में आवश्यक बातें हैं उन सब के बारे में संक्षेप में महाराज जी बता रहे हैं और बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं जिनका हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो बहुत फ़ायदा होगा और इसीलिए महाराज जी ने शुरुआत जो करी है ऑनलाइन सत्संग की ये विशेष रूप से हो रहा है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने के लिए कोशिश करी जा रही है जिसमें कि मीडिया का बहुत ही पूरा हाथ है हर तरीके से सफल आयोजन करने के लिए। धन्यवाद। हरिओम। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।